नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास एक सोनी कंपनी की ये टीवी रही, तो देखते हैं आखिर इसमें क्या कमी है जिसके लिए हमारे पास आई है। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं पावर में। पावर तो आ गई है, फिर भी क्या समस्या है? लीड वगैरह तो मैंने लगा दिया है, ऑन तो हो गई है शायद। क्या लाइट आ जाओ यार, साउंड आ रहा है, पिक्चर भी तो आ गया। तो आखिर दिक्कत क्या दोस्तों इसमें? कस्टमर लाया है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत ज़रूर होगा इसमें। चल तो रहा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, आवाज़ तो सही है, पिक्चर भी ठीक है। एक मिनट इसको देख लेते हैं खोलकर, आखिर इसमें कोई समस्या तो होगी जिसकी वजह से उन्होंने लाया हमारे पास। क्योंकि इतनी वज़नदार टीवी किसी को ढोने का शौक़ नहीं है, देखना है ज़रूर। को देख लेते हैं क्योंकि वो कस्टमर इतनी दूर से ला सकते हैं और हम बिना खोले दे दें, हो सकता है कुछ निकल जाए कमी। देख लेते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, मैंने इसके सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब बॉडी को इसको निकाल लेते हैं बाहर। ऊपर से शायद लॉकिंग सिस्टम है क्या इसका? अब कहाँ पर रोक रहा है ये? दोस्तों, इसको हमने ओपन कर लिया है और इसमें काफ़ी गंदगी है यार, बहुत गंदगी, हद से ज़्यादा गंदगी है। ये देखिए, आपने भी शायद इतना गंदगी कभी देखा होगा। देख सकते हैं कोई इसमें कंपोनेंट दिख भी नहीं रहा है। तो चलिए इसको सबसे पहले साफ़ कर लेते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो इसी सब गंदगी को ख़त्म करने के लिए हमने मशीन को लिया है, और कुछ कमी इससे भी हो सकती है कि चलते चलते कुछ दिक्कत हो जाए तो ये सब कमियां सही हो जाएंगी। हाँ तो दोस्तों, ये कुछ गर्दे उड़ गए हैं और कुछ ब्रश की सहायता से उड़ाते हैं। ठीक है, इसको साफ़ कर लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो दोस्तों, हमने इसको जो है कि साफ़ कर लिया है, और अब चेक करते हैं इसमें कहीं पे कुछ इसका ESD का करंट लीकेज तो नहीं है। सीरीज में ये नहीं चलने वाली है तो डायरेक्ट लगाएंगे, काफ़ी लोडेड टीवी है पुराने समय की। ठीक है, इसका अपने मीटर का एक वायर हमारे रखते हैं। टीवी को लगा दिया, टीवी ऑन है, और चेक करते हैं कुछ लीकेज वगैरह ऐसा की। तो देख सकते हैं क्या हुआ, लीकेज ही है। ठीक है, यहाँ पर साफ करने पर हल्का सा मुझे दिखा था कि सफ़ेद टाइप है, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर दिख चुका है यहाँ पर। ये देखिए, इसके नीचे यहाँ से सबसे पहले इसको करंट निकाल लेते हैं। करंट निकल चुका है, अब इसको आप हाथ से टच कर सकते हैं। बिना निकाले करंट को आप हाथ से नहीं टच कर सकते इसको, नहीं तो फिर एक ऐसा करंट लगेगा कि पूरी बॉडी हिल जाएगी। ये लीकेज हो गया है दोस्तों, यहाँ से ये देख सकते हैं होल हो गया है। ठीक
ठीक है, तो इसको एक हम नया लगा लेते हैं। और ऐसे कस्टमर मुझे बहुत ही पसंद है कि छोटी छोटी कमियों पर टीवी को सही करा देते हैं। नहीं दोस्तों, यही कमी फिर बाद में काफ़ी बड़ी हो जाती है और दिक्कत कर जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसमें एक नया कैप लगाएंगे। हालांकि अब ये वाला कैप तो नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी जो है अपने पास वही लगाएंगे क्योंकि इसका क्वालिटी दोस्तों अलग ही है। क्वालिटी की बात करें तो इसका क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है कंपनी का इसका। यहाँ पर भी पीछे से है इसलिए मैं इतना कट करके निकाल रहा हूँ इसको और उतना छील दूँगा। वायर पे जो ये सब बैठा हुआ है गंदगी, इसको भी साफ़ कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से भी दिक्कत होते हैं। ठीक है, अब हम एक नया कैप लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं अब हम। काफ़ी आसान है इसको लगाना। नया कैप लेना, उसके साथ आपको नई क्लिप मिल जाएगी। बस ये देखिए, कैप तो ये पहले से ही ख़राब है, यहाँ पर देखिए। तो क्या बताया जाए दोस्तों, ये सब कंपनी वालों को लोकल सब पहुंचा रहे हैं अपने सबके पास। प्योर सामान जो है कि नहीं आ पा रहा है। एक ये और रहा, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको लगाते हैं। इस तरह से वायर को हम निकाल लिया है बाहर और इसका वायर जो है कि अब छील लेते हैं हम। सिंगल वायर वाला बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है ये ST में दोस्तों। ये सिंगल वाला वायर को जो है कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसमें जो है कि इसका पिन जो है कि आपको देख के लगाना है, जिस तरह पिन निकले हुए इसको अंदर कर देना है ताकि एक बना रहे उसमें लॉक टाइप। पिन पीछे मोड़ के, जो वायर है वायर को पीछे मोड़ के अब इसको सोल्ड कर लेते हैं हम। ठीक है, सोल्ड हो चुका है। बहुत ही आसान है दोस्तों ये कैप लगाना। बस इसमें रिस्क यहीं पर है कि करंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, करंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पर एक वायर लगाइए पीछे ट्यूब की अर्थ पर, जो अपने अर्थ के वायर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वायर है स्प्रिंग के साथ लगी हुई, थोड़ा सा वहाँ दिख नहीं पा रहा है। इसमें एक वायर लगाना है और दूसरा वायर आपका जो दूसरा सिरा है यहाँ पर लगा देना है इसमें। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो रिस्क है बस और कुछ नहीं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने अच्छी तरह से साफ करके कर दिया है क्लीन। अब इस पे हम एक अपना सुलेशन लगा के इसको चिपका देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, ये सुलेशन अपना रहा एक, ये आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। मैं बस इसके कैप पर लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यह सोल्यूशन आपको वहीं से मिल जाएगा जहाँ से आप कैप लेंगे। ठीक है, ये हो चुका है। अब एक बार हम और चेक कर लेते हैं इसमें पावर लगाकर। अर्थ पर अपना वायर लगा हुआ ही है और
ये दूसरा लगा देते हैं मेन लाइन पर। मेन लाइन पर हमने यहाँ पर देखिए इसका वायर लगाया, यहाँ पर ऑन हो गई ये टीवी अपनी। डिस्प्ले कुछ दिख रहा है आगे से? नहीं दिख रहा है, तो टीवी अपनी ऑन है फिलहाल। और इसका ये रिंग निकल गया, इसको लगा देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म है समस्या। आप आवाज़ सुन सकते हैं? आवाज़ मैं आपको सुना देता हूँ यहाँ से पीछे से, क्योंकि आगे से दोस्तों रोशनी आ रही है इसलिए दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये अपनी समस्या सही हो चुकी है और इसको हम पैक कर लेंगे, और उससे पहले इसको रिंग को सही कर देंगे, ठीक है। लॉक है इसमें, लॉक में डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको तो दोस्तों हम आपको कई प्रकार के रिपेयरिंग की वीडियो देते रहते हैं, और आपका कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ठीक है। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होगा, मैदान में प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता।